ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। खुशामदीद हुजूर, तशरीफ रखिए। हम अनारकली से मिलना चाहते हैं, बुलाइए उन्हें। जी हुजूर, अनारकली फौरन तशरीफ ले आए। शहजादे की शान में रक्स पेश करो अनारकली। इनका रक्स देखने नहीं, इनसे तन्हाई में बात करने आए। तखलिया, माना कि अब हम वलियत नहीं रहे, मगर एक शहजादे के हुक्म के भी मायने होते हैं। सुना नहीं आपने तखलिया? शहजादे संभालिए, ये क्या हाल बना लिया है आपने? हाल चाहे जो भी बना रखा हो, अगर शुक्र है उस खुदा का कि उसने आपको हमें संभालने के लिए भेजा। सबने धोखा दिया हमें, सबने। पता है नारकली, यहाँ सीने में बहुत दर्द होता। शहजादे संभालिए, आपने फिर से शराब पी। हमने समझाया था ना आपको? हाँ, समझाया था आपने हमें कि शराब पीना पूरी आदत है। अगर हमारी फजीहत का दर्द आपके नसीहत के असर से कहीं ज्यादा है नारकली, और इस दर्द को भुलाने का एक ही रास्ता है हमारे पास, खुद को भुला देना। खुद को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है हमें। कोई भी गम इतना बड़ा नहीं होता है शहजादे, कि इंसान अपने आप को भूल जाए। होता है नारकली, होता है। जब अपने अपनों पर वार करते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है। अब तो जानती होंगी ना, हमारे अब्बू जान ने क्या किया हमारे साथ। हमारी पीठ पर नस्तर घोपा उन्होंने, भरे दरबार में सबके सामने जलील किया। वैसे ही किया जैसा कि बचपन से लेकर करते आ रहे हैं। हम जानते हैं आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अरे आप ही नहीं जानती, पूरा का पूरा आगरा जानता है, और कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा हिंदुस्तान जानेगा। शहजादे सलीम, मजाक उड़ाया जाएगा हमारा, पप्तियां कसी जाएंगी हम पर की। शहजादे संभालिए, ऐसा मत सोचिए। कैसे ना सोचे नारकली, कैसे ना सोचे। क्या क्या ख्वाब देखे थे हमने कि शाह बनने के बाद अपनी आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सारे के सारे ख्वाब टूट गए। गुस्ताखी मुआफ शहजादे, मगर आवाम की खिदमत के लिए किसी औहदे की जरूरत नहीं होती। होती है नारकली, होती है। आप नहीं समझेंगे इस औहदे की अहमियत क्या थी हमारे लिए। इस औहदे की ताकत से हम आपको मलिका हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। आपके पाँव से घुंघरू निकाल कर फेंक देना चाहते थे, और आपके सर पर मलिका हिंद का ताज सजाना चाहते थे। हम ये करना चाहते थे। हम अनारकली, सच कहे ना,
एक आप ही हैं जिनके पास आकर हमें आराम और सुकून मिलता है। भाईजान, शाह हुजूर मुराद खुद यहां तशरीफ लाए हैं। वाह, शाह मुराद को इस नाचीज गुलाम सलीम का आदाब। अचानक कैसी बात कर रहे हैं? वाजिब बात कर रहे हैं हम शाह, वाजिब बात कर रहे हैं। अनारकली, आप यहां से जाइए, हमें इनसे कुछ ज्यादा मसलत करनी है। अनारकली कहीं नहीं जाएगी, आप दोनों को जो भी बात करनी है इनके सामने कीजिए। और वैसे भी जहां सगे बाप ने हमें दगा दिया वहां सौतेले भाइयों पे क्या उम्मीद करें। भाईजन, होश संभाल कर बात कीजिए। होश में ही बात कर रहे हैं हम, होश संभाल कर ही बात कर रहे हैं हम आपसे। और जो ना किए तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्या सजा देंगे हमें, या गर्दन कटवा देंगे हमारी, या फिर सूली पे चढ़वा देंगे हमें? बोलिए क्या करेंगे, या फिर पूरे सल्तनत में बागी होने की मुनादी करवा देगी? बोलिए। मुराद भाईजान, इस वक्त इनसे बात करना बेकार है, आप चलिए यहाँ से। हाँ हाँ, जाइए यहाँ से, अकेले जी लेंगे हम, हमें किसी के सहारे की, किसी की झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। शहजादे, ये आपने ठीक नहीं किया। अनारकली, अब क्या ठीक है क्या गलत है ये हम नहीं जानते, मगर अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही हमने मुराद को शाह बनाकर इस तकलीफ से कुछ वक्त के लिए निजात पा ली है, लेकिन हम शाह ईरान के दबाव को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मुगल सल्तनत में उनकी दखल अंदाजी हो, इसलिए उससे पहले उनकी ताकत और उनकी कमजोरी को जानना जरूरी है। हम जानना चाहते हैं कि ईरान के इर्द गिर्द वो कौन सी सल्तनतें हैं जो ईरान के साथ या ईरान के खिलाफ है। खाने खाना हुजूर। अब्दुल्ला खान उज़्बेक, तुरान, सुलेमान मिर्जा बदख्शान, तुर्की के सुल्तान खलीफा, यमन के सुल्तान और मक्का के शरीफ, ये सभी शाह ईरान के वफादार हैं। ये सभी शाह ईरान को मजहबी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझते हैं। ये शाह ईरान के हुक्म पर कुछ भी कर सकते हैं शाहजी। और बगदाद, बसारा, कासगर और ये बलाक, शहंशाह अभी ये किस पाले में हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका हमें पता लगाना होगा। मगर ये हरिरत खुरसाना, अब ये सल्तनत अब्दुल्ला खान उज़्बेक के शासन में आती है। सुनने में आया है कि इन्हें शाह ईरान की नीतियाँ कुछ खास पसंद नहीं आई। मतलब ईरान के इर्द गिर्द यही एक कमजोर कड़ी है। ठीक है, हम सबसे पहले इसे ही तोड़ेंगे। फौरन अब्दुल्ला खान उज़्बेक को पैगाम भिजवाया जाए हमारी तरफ से कि कह दीजिए कि सियासी या कारोबार के मसले पर एक बार हम उनसे मसलत करना चाहते हैं। कुछ भी कह दीजिए कि मसौदा तय करना है, लेकिन उन्हें यहाँ बुला दीजिए ताकि हम उनसे एक बार मिल पाएं। और बाकी सल्तनतों में हमारे जासूस फैलवा दिए जाएं ताकि वो हमें बता सकें कि शाह ईरान का रिश्ता उनके साथ कैसा है। उनकी कमजोरी को हम अपनी ताकत बनाएंगे और धीरे धीरे ईरान को तोड़ देंगे। शेख मुबारक, वीर दानियल की तरफ से क्या पैगाम आया है? खबर अच्छी है शहंशाह, आज ही उनका जवाब आया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो यकीनन हमारी मदद करेंगे। वो खुद मक्का पैगाम भेजेंगे और वहाँ के शरीफ को समझाएंगे। बेहतर है, तो एक तरफ शाह ईरान कमजोर पड़ेंगे और दूसरी तरफ मक्का के शरीफ का एतबार हम पर होगा। अब मजा आएगा, देखते हैं ये सियासी जंग कौन जीतेगा, शाह ईरान या शाह हिंदुस्तान।
कौन है? पर्दे लगा दीजिए, हमें रोशनी पसंद नहीं है। सलीम। सलाम मलिका हिंद, हमें लगा कोई और है, बेअदबी के लिए मुआफी चाहते हैं। लगता है रात को बहुत देर से सोए हैं आप। अच्छा, अब जल्दी से उठिए और मुंह हाथ धो लीजिए, आपका मनपसंद नाश्ता बनवाया है हमने, उठिए। जी। कितना अव्यवस्थित करके रखा है कक्षा आपने। आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हमें आपसे कुछ आवश्यक बात भी करनी है। मलिका हिंद, हम जानते हैं आप किस बारे में बात करना चाहती हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। जो होना था सो हो गया, अब ना तो हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही शहनशाह की सफाई की। सलीम, बेटा आप जैसा सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ, गलत तो हम ही है, सही अगर कोई है तो शहनशाह, अगर गलत कोई है तो उनके नाजायज निकाह से पैदा हुई उनके नाजायज औलाद हम। सलीम, क्या हुआ मलिका हिंद, फिर से कुछ गलत कह दिया क्या हमने? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि शाह ईरान का पैगाम था कि आपका और शहनशाह का निकाह नाजायज है, और हम आप दोनों की नाजायज औलाद, इसीलिए हमें शाह नहीं बनाया गया, और भरे दरबार में सबके सामने मुराद को हमारी जगह शाह बना दिया गया। इस बात से तो यही साबित होता है ना कि शहनशाह भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। फिर तो शाह ईरान ये भी चाहते हैं कि हम इस्लाम स्वीकार करें। नहीं मलिका हिंद, आप गलत समझ रही हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अपना मजहब बदलें, हम जानते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी और ना ही शहनशाह आपको ऐसा करने देंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि शाह ईरान के पैगाम के दबाव में आने की क्या जरूरत थी, शहनशाह खुद अपना फैसला ले सकते थे ना। अब इस सियासी चक्की में पिसा कौन? हम। सियासत और मजहब के नश्तर किसे चुभे? हमें। सलीम बेटा, आप मुआफी चाहते हैं मलिका हिंद, इस वक्त हम होश में नहीं हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम नहीं चाहते कि बेअदबी में आकर कुछ कहते हमको। देखिए ना तो हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना आपकी ममता की, खुदा के लिए हमें तना छोड़ दीजिए। हमें भाईजान से उम्मीद नहीं थी, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भाईजान हमारे साथ ऐसा करेंगे। हम उनके पास गए थे क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, कहा नहीं छीनना चाहते, लेकिन ये बात वो समझना भी नहीं चाहते। तुमने देखा ना कैसे उन्होंने उस कनीज के सामने हमारी बेइज्जती करी, तुमने देखा ना? बेशक, उन्होंने हमें सोतेला कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? आज तक हमारी माओ ने हमें कोई फर्क नहीं समझा, हमने आपस में कोई राज नहीं छिपाया, कितनी कड़वाहट है भाईजान के दिल में हमारे लिए। और देखा आपने, वो उस कनीज के साथ कैसे पेश आ रहे थे, भूल गए कि उनका निकाह मान भाई से होने वाला है, ऐसा बर्ताव नाकाबिले मंजूर है। आज तक ना ही मरियम उज़्ज़मानी ने ना ही शहनशाह ने कभी हमसे ऐसे बात की। हम आपकी बात से सहमत हैं। हुजूर, आदाब शाहशाह, आदाब शहजादे दानियाल, गुस्ताखी माफ हुजूर कि हमने आपकी तन्हाई खराब की, आपसे एक इजाजत लेनी थी हुजूर। कैसी इजाजत? आगरे के बाहर जो सराय बनने जा रही है उसके लिए कारीगर का चुनाव करना था, उसके लिए आपका मशविरा चाहिए था हुजूर। मगर वो फैसला तो सलीम भाईजान करते हैं ना? बेशक, लेकिन जब वो वली अहद थे तब, पर अब तो वली अहद और शाह आप हैं, इसलिए अबे आपके अख्तियार में है। कुछ कारीगरों की फहरिस्त है हुजूर, एक नजर डाल लीजिए किसे रखा जाए। भाईजान, हम तो ये कहेंगे कि आपको अपने ओहदे से जुड़ा फर्ज निभाना चाहिए। अगर शाहशाह की जिम्मेदारी उठानी ही है तो हम जरूर उठाएंगे, हमारे अबूजान की ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म है। समझ गए ना आप? बेशक हुजूर, हमें खुशी है कि आपने बिल्कुल सही लोगों को चुना है। हुजूर, एक दिन आप बड़े कामयाब बादशाह बनेंगे। सही फरमाया आपने, एक दिन हमारे भाईजान बहुत बड़े शहंशाह बनेंगे।
तुम जान पाते कि इस खेल में तुम महज एक छोटे से प्यादे हो, हम तुम्हारे अंदर ताकत और हुकूमत की ऐसी भूख जगा देंगे कि तुम उसके छिनते ही तिलमिला उठोगे। हुजूर, रंगशाला से जुबैदा बेग हम हाजिर हैं। अंदर भेज दो उसे। जी हुजूर। आदाब बादशाही बेगम। तकलिया, तुम जानती हो ना कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? कहो, क्या खबर है? हुजूर, शहजादे अक्सर रक्स के लिए आने लगे हैं, बड़े मायूस से नजर आते हैं और अनारकली की हमदर्दी उनके लिए बढ़ती जा रही है और उन दोनों के बीच दिन ब दिन नजदीकियाँ भी बढ़ रही हैं। हुजूर, उनकी सोहबत में शहजादे दिलजई कर रहे हैं। हुजूर, और कोई हुक्म बेगम साहिबा? नहीं, बस हमें सलीम और अनारकली की हर खबर यूं ही देती रहे। शुक्रिया बेगम साहिबा, बेगम साहिबा का नूर यूं ही बढ़ता रहे। जो हमारे वफादार होते हैं हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। हुजूर की खिदमत करने का कोई मौका ये बांदी नहीं छोड़ेगी। अब इजाजत दीजिए बेगम साहिबा। आदाब। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर आपका ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। खेल के मजे लेने के दो तरीके होते हैं उषा। पहला, खुलेआम खेल का हिस्सा बनकर, और दूसरा, खेल को दूर से देखकर। अब तक हम खेल के मजे दूर खड़े होकर ले रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस खेल का हिस्सा बने। ये खेल जोधा बेगम की वजह से और भी दिलचस्प हो गया है और अब मजा इस खेल में उतर कर ही आएगा। बुरा मत मानिएगा हुजूर, मगर अगर आप जोधा बेगम की जगह होती तो क्या करती? अगर हम जोधा बेगम की जगह होते तो हम फौरन मजहब बदल देते और सलीम को आने वाला बादशाह बनाते। लेकिन क्या करें, सलीम हमारी औलाद नहीं ना, बेचारा सलीम। आपको शहजादे के लिए बहुत बुरा लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, बुरा तो हमें बेचारी जोधा बेगम के लिए लग रहा है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा जलजला आने वाला है जिसे वो संभाल नहीं पाएंगे। बाप और बेटे की तकरार की चक्की में बेचारी जोधा बेगम मजबूर घुन की तरह पिस जाएंगी। और यकीन मानो होशियार, हम जोधा बेगम की मुश्किलात कम नहीं होने देंगे। प्रणाम शहंशाह। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम आप ही के पास आ रहे थे। दरअसल हम आपसे मशवरा लेना चाहते थे कि हम मुराद से किस तरह बात करें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? स्वास्थ्य तो हमारा ठीक है, पर हमारे संबंध बिखर रहे हैं शहंशाह। हम समझे नहीं शहंशाह। मलिका हिंद होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं? आखिर ये क्या सवाल हुआ? प्रश्न तो प्रश्न है, बताइए हमें क्या कर्तव्य हैं हमारे? जो फर्ज हमारे हैं वही फर्ज आपके हैं। हमारी आवाम की नेकी और उसकी भलाई के बारे में सोचना, और आपने अपने फर्ज बखूबी निभाए। और एक स्त्री होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है? एक औरत का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपने खानदान अपने रिश्तों को जोड़ कर रखे। फिर तो ना हम मलिका हिंद के कर्तव्यों को निभा पाए और ना ही एक स्त्री के कर्तव्यों को, ना ही हमारी प्रजा हमसे खुश है और ना ही हम हमारे परिवार को बिखरने से रोक पा रहे हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि मलिका हिंद के हिंदू होने के कारण उसकी प्रजा को हज करने में परेशानी हो रही है।
तो एक माँ के हिंदू होने के कारण बेटे से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए अपनी प्रजा और अपने बेटे के लिए हम आपसे एक अनुमति मांगने आए हैं। जैन शाह, हम हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। हम इस्लाम स्वीकार करेंगे। जो था बेगम,